हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सवाल्स। भाई आज का एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरे साथ है वैभव सर। वैभव सर बायोलॉजी की वन ऑफ द टॉप फैकल्टीज में से एक है इंडिया में और इसी के साथ साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? हां भाई, तो भाई वैभव सर से आज भाई हमारी बात हुई थी, बहुत दूर ट्रैवल करके कोटा है, तो मैंने कहा भाई एक वीडियो तो हम साथ में बना ही रहे। एक्चुअली वैभव सर ने भी कोटा में पढ़ाई करी हुई है, मैंने भी कोटा में पढ़ाई करी हुई है एक जमाने में, और आज हम दोनों फैकल्टीज हैं। तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे भाई, किस किस तरह के डिस्ट्रक्शन है, पुराने जमाने की बात कर रहे थे, पुराने दिनों की बात कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मतलब तुम लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि तुम ऐसे भी बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हो, दिल्ली कर रहे हो, कोटा कर रहे हो, अपनी सिटी में कोचिंग्स कर रहे हो, और बहुत सारे तरह के डिस्ट्रक्शन और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। तो भाई हम लोगों ने क्या डिस्ट्रक्शन फेस करे थे, उनको कैसे ओवरकम करा, तो इस बारे में बात करेंगे। तो वैभव सर एग्जैक्टली आप बता रहे थे आपने कोई लिस्ट तैयार करी है तीन मेजर डिस्ट्रक्शन जो लगभग हर एक बच्चा फेस करता है और उसका रिजोल्यूशन आखिर उनसे कैसे बच सकते हैं, तो वैभव सर बताइए उनके बारे में थोड़ा हमको। तो जो सबसे जो मेजर तीन डिस्ट्रक्शंस की मैं अगर बात करूं जो मैंने फेस किया अपने टाइम पे और आप भी कर ही रहे होंगे फेस, उसमें सबसे जो मेजर डिस्ट्रक्शंस है वो पहली चीज मोबाइल एडिक्शन। मिस लगे रहते हैं मोबाइल पे, छूटता ही नहीं है, कभी लगता है किसी दोस्त से बात कर लेते हैं, कभी घंटों घंटों लगे हुए हैं फोन पे, यूट्यूब में, फिर नीचे चलते चले जा रहे हैं, वो चीज कभी खत्म ही नहीं हो रही। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये एक मेजर डिस्ट्रक्शन हो गई, बात करेंगे इस पे। दूसरी जो डिस्ट्रक्शन है वो हो जाती है लंबे समय तक हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती, लॉन्ग टर्म कंसंट्रेशन नहीं बन पाता हमारा, ये। इसके बाद जो तीसरी सबसे मेजर जो डिस्ट्रक्शंस है उसमें आती है कि जो आज हमें होमवर्क अलॉट हुआ है वो हम आज नहीं कर पाते, फिर आगे हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं कि हम उसे आगे करेंगे, तो ये चीज हमारी हो जाती है डिस्ट्रक्शंस में से। ये तीन ने ही हमारी जिंदगी खराब कर रखी है, तो इस पे ही बच्चों आज बात करने वाले हैं हम लोग। हाँ, तो वैभव सर ये मोबाइल डिस्ट्रक्शन वाला बताइए, क्योंकि मतलब जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना कोटा में, मतलब ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मेरे जमाने में ना वो टच स्क्रीन वाले फोन तो आ चुके थे ना, वो मैंने पापा से जिद करके किसी तरह से वो फोन ले लिया था। पर जब मैं कोटा आया, मैंने पढ़ना चालू करा, मुझे समझ में आ गया भाई ये जो चीज है ना ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है ये मोबाइल फोन। तो मैंने क्या करा भाई, मैं तो घर गया, उस फोन को रख के आ गया, मैंने कहा भाई जड़ ही खत्म कर दो, और वो छोटा वाला फोन होता है ना नोकिया का, वो पत्थर पे मारो पत्थर टूट जाए, वो फोन लेके आ गया, तो मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। पर आई थिंक ये आज के जमाने में एक फिजिकल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग जैसे ऑनलाइन एजुकेशन को यूज कर रहे हो, तो वैभव सर बताइए फिर आपने इसको किस तरह से डील करा। बिल्कुल सर, आपके टाइम पे वो चीजें सही थी, लेकिन आज ये चीजें पॉसिबल नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आज जो मोबाइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशनल एप्स भी हमारे पास हैं। तो मैंने जो अपने टाइम पे किया था, तो इसके मैं तीन तरीके बताऊंगा, जैसे मैंने जिस तरह से मैंने किया था उसमें जो होम स्क्रीन पे जो ज्यादा टाइम टेकिंग वाले एप्स थे मैंने उनको हटा दिया, ये पहला हो गया, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं बहुत सारे एप्स के, तो उसको मैंने बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया उसका नोटिफिकेशन को। तो क्या करना है, पहले सबसे पहले जो एप्स डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं जैसे व्हाट्सएप वगैरह, उनको होम स्क्रीन पे मत रखो, ताकि आपको के सामने बात करना है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और दूसरा उनके नोटिफिकेशन भी बंद कर दिए, ताकि जैसे शायद ये होता होगा जब पढ़ाई करते तो बार बार मैसेज आ गया, फिर मैसेज आ गया तो हम बीच बीच में देखते जा रहे हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया, वो भी है ना, ठीक है, तो वो बंद करो। तीसरी स्टेप क्या थी सर? तीसरी जो थी जो इम्पोर्टेंट जो एप्स है जो हमारे लिए यूजफुल हो सकती हैं, उसको मैंने लाया होम स्क्रीन पे, क्योंकि मुझे ज्यादा अंदर नहीं जाना, अलग अलग स्लाइड में नहीं जाना, बस बिल्कुल स्टिक रहना है, जो भी मेरे काम की चीजें हैं वहां पे मैं स्टिक रहता था। आज तो आप और सारे कर सकते हैं, बहुत सारे जैसे एजुकेशनल एप्स हैं, जैसे अनअकैडमी, मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पे, और कई सारे इंडिया के बेहतरीन टीचर हैं जैसे प्रतीक सर भी हैं, तो अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं ये, तो आप उसको वहां पे कर सकते हो, होम स्क्रीन पे लेकर आ सकते हो, तीन चीज आप नॉर्मल वे में कर सकते हो। ये तीन तरीके अगर आपने कर लिए ना, तो आपका मोबाइल फोन का एडिक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये आपने बहुत अच्छा कहा कि होम स्क्रीन पे एजुकेशनल ऐप ही रखो ना, तो मतलब डिस्ट्रैक्ट होगे तो भी अच्छी चीज के लिए होगी, जो चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है वो भी तुम्हें तुम्हारी गोल की तरफ लेके जा रही है। और क्या कर सकते हो भाई, है ना, तो अपना जब क्योंकि यूट्यूब तो भाई सब यूज कर ही रहे, तो यूट्यूब पे ना आलतू फालतू चैनल फॉलो करने की जगह सारे एजुकेशनल चैनल फॉलो करो ना, जैसे मेरा फिजिक्स ऑनिक्स है और वैभव सर का बीट्स ऑफ बायोलॉजी है, इस तरह के एजुकेशनल चैनल्स को फॉलो करो कि भाई तुम्हें जब यूट्यूब खोलो तो भी तुम्हें सारे लेक्चर दिख रहे हैं ना, वो चीजें दिख रही हैं जिनकी तुम्हें जरूरत है। बिल्कुल, तो आई थिंक ऑल ऑफ दीस थिंग्स विल टेक यू टुवर्ड्स योर गोल इटसेल्फ। वैभव सर फिर दूसरी वाली प्रॉब्लम का हल बताइए, मतलब क्योंकि ये भाई बहुत से स्टूडेंट मुझसे आगे बोलते हैं सर लॉन्ग टर्म नहीं बैठ पाते, मतलब पढ़ने तो सब बैठते हैं पर ज्यादा देर पढ़ाई नहीं कर पाते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं थोड़ी सी देर में। बिल्कुल, कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम आज बहुत ज्यादा है,
क्योंकि हम इधर डिबेट होते चले जा रहे हैं, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन के तरीके हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कंसंट्रेशन। अगर साइकोलॉजी के हिसाब से मैं आपको एक टेक्निक बताऊं, पोमोडोरो टेक्निक एक होती है, जिसके हिसाब से कहा जाता है 50 मिनट्स की आपको पढ़ाई करनी होती है और 10 मिनट्स का आपको ब्रेक लेना होता है। मींस एक जगह पे जहां पे आप रोज पढ़ाई करते हो वहीं पे रोज पढ़ा करो, सामने में कहीं जाते एक दीवार होना चाहिए। जो मैंने अपने टाइम पे किया था जो बहुत ही एफिशिएंट साबित हुई, तो वो आप वैसे कर सकते हो। 50 मिनट का आपने टाइमर सेट कर दिया, छोटी सी टॉपिक अगर बायोलॉजी के हिसाब से मैं बताऊं, एक जैसे छोटी टॉपिक हो गई माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, ये टॉपिक आपने 50 मिनट्स का डिसाइड कर लिया और 10 मिनट्स का आपने ब्रेक ले लिया। मिस आपने अगर कोई चीज टारगेट में रखकर पढ़ाई की है तो वो चीजें बिल्कुल अच्छे से टारगेट वे में हो जाती है, फोकस्ड रहते हो आप अपने टाइम पे, तो ऐसे आप कर सकते हो बिल्कुल। तो फिर ये थर्ड वाले डिस्ट्रक्शन का सॉल्यूशन और बता दीजिए, क्योंकि ये चीज भी बहुत परेशान करती है बच्चों का। भाई होमवर्क ही कंप्लीट नहीं होता है ना, बच्चे सोचते हैं कि संडे को होमवर्क करेंगे, कल करेंगे, उनका भाई पेंडिंग छूटता जाता है, बैकलॉग होते जाते हैं, तो मतलब ये सारी चीजें इस चीज से कैसे बचे? बिल्कुल सर, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इसको एक लॉ के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा, पार्किंसंस लॉ, जैसा कि आप जानते होंगे सर। हाँ बिल्कुल है ना, पार्किंसंस लॉ का जैसे स्टेटमेंट है, वर्क एक्सपेंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। नहीं आया ना समझ में सर, हिंदी में समझाइए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आप अगर पहले के टाइम पे बातें करूं, जैसे नानी के यहाँ अगर हमें जाना होता था तो हमारी मम्मी दो दिन पहले से ही पैकिंग कर रही होती थी, लेकिन आज का जो टाइम है ना बिल्कुल फास्ट हो चुका है। आज के टाइम पे हम करते क्या है, जैसे मैं अपने एग्जांपल अगर दूं आपको, कुछ दिन पहले, आज से करीब 10 दिन पहले अनअकैडमी का अवार्ड सेरेमनी बैंगलोर में था, मुझे फ्लाइट से जानी थी, तो उसके करीब 2 घंटे पहले मैंने पैकिंग स्टार्ट की। आप समझ रहे हो वो जो 2 दिन का टाइम वहां पे था, और आज ये रिड्यूस होकर कितना हो चुका है, 2 घंटे का। तो हमारे पास जितना टाइम होता है ना, हम अपने उसको एक्सपेंड करते चले जाते हैं, नहीं थोड़े देर बाद करेंगे, थोड़े देर बाद। यही चीजें हमारी होती हैं जो हमें होमवर्क अलॉट होता है कि चलो ठीक है आज नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, थोड़ी देर बाद। तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, जो होती है ना कि चीजें बाद में कर लेंगे, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें हमें गोल से डेविएट करते चली जाती हैं, आज का काम फिर यही चीजें इकट्ठा होती चली जाती है, बैकलॉग बन जाता है ये चीज। तो ऐसी होती है सर ये चीज बिल्कुल। इसको अपन पता है कॉलेज स्टूडेंट इस चीज को जैसे बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे ना, क्या होता है कि जैसे भाई पूरे सेमेस्टर को लोग पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास पढ़ने के लिए 4 महीने, पर जब एग्जाम आने वाले होते हैं, एंड सेम आने वाले होते हैं, उससे जस्ट पहले पढ़ना चालू करते हैं, तो क्योंकि उनको पता था पढ़ने के लिए 3 दिन चाहिए, तो 4 महीने का टाइम क्यों रहता। तो बात क्या है भाई, गोल जब भी तुम्हारा है उसके लिए हमेशा एक टाइम लिमिट सेट करो कि भाई तुम्हें इतनी देर में खत्म करना है। तुम अगर आज पढ़ने बैठ रहे हो तो लो भाई कि फिजिक्स के मुझे 1 घंटे में भाई 30 क्वेश्चन करने, मुझे 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने। जब तुम ऐसा सोच के बैठोगे, हो सकता है तुम 30 क्वेश्चन ना कर पाओ, तुम 25 क्वेश्चन करो, पर ठीक है वो दैट इज स्टिल गुड, क्योंकि अगर तुम कोई टारगेट नहीं लोगे तो हो सकता है तुम 1 घंटे में सिर्फ 10 या 15 क्वेश्चन कर पाओ। तो हमेशा जब भी पढ़ाई करो एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ करो। कोई भी रैंकर, कोई भी सिलेक्शन होने वाला स्टूडेंट बिना टाइम टेबल के कभी भी पढ़ाई नहीं करता। हमेशा पढ़ने से पहले एक टारगेट दिया जाता है कि भाई इतनी देर में इतनी चीज कंप्लीट करनी है। अगर तुम टाइम लिमिट नहीं लगाओगे तो पार्किंसंस लॉ बोलता है वो चीज कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, वो एक्सपेंड होती जाएगी, तुम उसे हमेशा पोस्टपोन करते जाओगे। बिल्कुल सर। तो बैभव सर, एक बार जो हमने रिजोल्यूशन बताए हैं इनको कंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि ये बच्चे लोग हैं और भाई ये जो पॉइंट्स होते हैं ना वो हाईली वोलेटाइल होते हैं, अभी याद है तुरंत उड़ जाएंगे, तो एक बार कंक्लूड कर दीजिए ताकि ये लोग जॉट डाउन कर लें उनको। बिल्कुल। तो जो फाइनल हमारे जो 3 डिस्ट्रैक्शंस थे उनको मैं कवर अप कर रहा हूं। सबसे पहली चीज जो थी हमारी मोबाइल एडिक्शन, तो मोबाइल एडिक्शन मैंने बता ही दिया, जो इंपॉर्टेंट एजुकेशनल एप्स हैं तो उसको आपको होम स्क्रीन पे रखनी है, ये पहली हो गई। दूसरी चीज जो थी हमारी वो लंबे समय तक हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, तो आपको मैंने बताया था वो 50-10 टेक्निक वाला, जिससे पोमोडोरो टेक्निक मैंने बोला था, तो 50-10 का करो आप, टारगेट अपने फिक्स करो और 10 मिनट का ब्रेक ले लो आप, तो ये करनी है। जो तीसरी चीज है, आपको जो भी होमवर्क अलॉट होता है उसको पार्किंसंस लॉ के अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट फिक्स कर लो कि हाँ इतने टाइम पे मुझे कर लेनी है चीजें, नहीं तो वो एक्सपेंड होती चली जाएंगी। ये 3 चीज है ओवरऑल। देखो कहने का मतलब क्या है, आप पे डिपेंड करता है आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। मींस आप भी तो फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हो, जैसे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी अचीवर्स हैं, वो सारे दुनिया जहां के सारे गलत काम करते हैं लेकिन प्रायोरिटी देते हैं अपने सही कामों को, तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। एट द एंड भाई मैं बोलना चाहूंगा, जो भी लोग यहाँ पे नीट की तैयारी कर रहे हैं और बायोलॉजी के लिए, मैं कहूंगा सर का चैनल, यूट्यूब चैनल बीट्स फॉर बायोलॉजी जरूर ज्वाइन कर लो,
और भाई जो भी लोग ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोगों से अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हैं, तो भाई मैं टेलीग्राम ग्रुप बता रहा हूँ, नीट और आईआईटी जेई दोनों के लिए अलग अलग बना रखे हैं। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं NEET_physics इस ग्रुप को ज्वाइन करो टेलीग्राम पे, जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं IIT JEE_physics इस ग्रुप को ज्वाइन करो। तो भाई आगे की पूरी कहानी मैं तुम्हें वहां पे बता दूंगा, ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू गाइस।